बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जितनी जल्दी किसी का अरूज होता है, शोहरत की बुलंदियों में पहुँचता है, और उसी तेज़ी से इंसान का जवाल भी होता है, क्योंकि जो चीज़ जल्दी पैदा होती है और जल्दी बड़ी होती है, उसकी उम्रें भी छोटी होती हैं। ये एक कुदरत का एक कानून है और ये अजल से चल रहा है और हमेशा रहेगा। आमिर लियाकत हुसैन अचानक मीडिया की जीनत बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और काफ़ी शोहरत हासिल की, 3-3 शादियां की, और फिर उसके बाद उनका जवाल शुरू हो गया। जवाल इतना शुरू हुआ कि रोते हुए उनको देखा गया कि इस औरत ने मुझे बिल्कुल न्यूड कर दिया लेके, या नंगा कर दिया है आखिरी बीवी ने। और फिर ये हुआ कि वो एक नशे की आदत में पड़ गए, और उसके आगे चल के बताएंगे कि क्या हुआ सारा की सारा। ये तो इतनी तकलीफ दे बात होती है बाज़ दफ़ा के, कोई दुश्मन भी हो तो उस पर भी आदमी को तरस आता है कि इस शख्स के साथ लगता था कि, क्योंकि जिस तरीके से वो फतवेबाजी करते थे लोगों के ऊपर, लोगों को गुमराह करते थे, उन्होंने कई जगह लड़ाइयाँ कराई, कई फसाद कराए, और उनके सर पे कईयों का कत्ल भी है कि इनके फतवे देने की वजह से 2 MD की शहादत हुई और कितने लोग गुमराह हुए। फिर उन्होंने उनका जब ये कारोबार नहीं चला तो फिर उसके बाद उनकी शादियों का हो गया, क्योंकि वो मीडिया में खासे पॉपुलर थे, उनकी हर जगह पे वाकफियत थी, लड़कियों को झांसा दे के और के कारोबार का या उसका नौकरी का झांसा दे के या उसको एंकर बनाने के चक्कर में कई लोग लड़कियों के साथ उन्होंने जो कुछ किया, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने सब आ जाएंगी चीज़ें। आमिर लियाकत की मैं थोड़ी सी आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये इनकी दूसरी शादी थी और फिर ये तीसरी शादी इनकी हुई, वो भी ख़त्म हो गई, और फिर आखिर में अंजाम जो सा है वो मौत का होता है। और मौत तो बरहक है, हर एक पे आनी है, लेकिन अगर अच्छी आ जाए तो इसमें क्या ही बात होती है। आमिर लियाकत को आखिर में 1-2 साल से इनको आइस, एक नशा है, उसकी भी आदत पड़ चुकी थी। जब इनकी वफात हुई है तो वो बेहोशी की हालत में थे घर में, और घर कमरे में धुआं था सारा। क्या अल्लाह जाने क्या चीज़, किस चीज़ का धुआं था, वो क्यों धुआं था, पुलिस की तहकीक कर रही है और ये तहकीक बहुत जल्द सामने आ जाएगी। और उनकी तीनों बीवी जो थी उनको छोड़ के जा चुकी थी, और जो आखिरी बीवी थी उसने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई चीज़ें की, जो 15 साल की उम्र में की लड़की से इन्होंने शादी की थी, जिसका जाली कागज शनाख्ती कार्ड बना के 18 साल करके उससे शादी की गई थी, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, सब चीज़ें सामने आई, और ये खासे जैसे कहते हैं प्रेशर में आ चुके थे आखिरी टाइम पे, और इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, रोते भी थे, हंसते भी थे, और नशा जो आइस ऐसा नशा है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो से हैं वो लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या कॉलेजों में, उससे ये होता है कि दिमागी हालत और परफॉर्मेंस तेज़ हो जाती है। इनको भी ये किसी ने मशवरा दिया कि ये करो तो तुम बहुत सेहतमंद हो जाओगे और ये जो से तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो किसी ने उनके साथ दुश्मनी की। असल में तो ये होता है कि इसकी उम्र जो सी होती है, जो नशा जब शुरू करता है तो 1.5 से 2 साल के अंदर जो सा आदमी ख़त्म होने लगता है। इन्होंने हो सकता है कि इसको तेज़ी से इस्तेमाल किया हो, ज़्यादा इस्तेमाल किया हो कि मैं ज़्यादा अच्छा समझदार बन जाऊँ और मेरी ज़हनी हालत अच्छी हो जाए, उसी चक्कर में इनकी हालत जो सी ये ख़राब हो गई। और अभी का इस काज ऑफ डेथ का अभी इलम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि जो इनके करीबी साथियों ने या पहले जिस तरह से इनकी खबरें आ रही थी उससे ये पता लगा था कि इनको आइस का नशा, अगर आइस का नशा किसी को लग जाता है वो छूटना इतना आसान नहीं होता। तो बहरहाल ये एक ख़बर थी जो आपसे शेयर करते हैं। इस पर हम क्या अफसोस करें और क्या कहें कि अल्लाह ताला के साथ अब उनका वास्ता है। अल्लाह ही है जो हर इंसान को माफ़ करने वाला है,
और वो बेहतर जानता है क्योंकि वो ज़्यादा इंसाफ करने वाला है कि इन्होंने जो ज़िंदगी में काम किए, जिस तरीके से काम किए, उसका हिसाब अब अल्लाह ताला को ही दे दिया जाएगा और अल्लाह ताला ही इसका इंसाफ करेगा। ये किसी को भी इल्म नहीं कि इनके साथ क्या सलूक होगा। बहरहाल एक वाक़या हुआ, जो एक मशहूर हस्ती थे, उन्होंने आखिर में इमरान आखिरी दिनों में इमरान खान का भी साथ छोड़ दिया और वो दूसरी पार्टी से मिल गए, जिससे इमरान खान को काफ़ी बड़ा धचका लगा और इस तरह से उनकी हुकूमत भी जाती रही। तो ये एक ऐसा ऐसा काम था कि जो इनको नहीं करना चाहिए था, बहरहाल उन्होंने किया। अब वो इस दुनिया में नहीं है और अब उनका मामला अल्लाह के साथ है। तो नाज़रीन, ये सिर्फ बात बताने का मकसद ये था कि हर आदमी, जो आदमी इस दुनिया में आता है, उसने जाना भी होता है। ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा रहेगा, लेकिन ये इंसान को याद रहना चाहिए। जब किसी के को नुकसान आप दे रहे होते हैं तो इस अंजाम का ज़रूर ख्याल होना चाहिए, जो फाइनल अंजाम होता है। 49 की उनकी एज थी, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, अभी जवान ही थे वो। बहरहाल अल्लाह की तरफ से जो आता है वो अल्लाह की तरफ वापस जाता है। तो हम इसके ऊपर यही कहेंगे, इन लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जो आदमी अल्लाह के पास से आता है, अल्लाह ताला उसे वापस भी बुलाता है। फिर क्या सलूक होता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।